हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्रभात पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार पुलिस दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो मर्डर प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च किया गया है बुक, जिसमें कि टोटल 40 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया हुआ है, तो आज हम लोग इसका चौथा प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से फ्री में इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4 और इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, इसका रीजन क्या था। तो देखिए, इसका जो रीजन है वह है उपर्युक्त, यहाँ पे सभी हो जाएगा। ए में है कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएँ थी, बी में दिया हुआ है कि इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, और सी में है कि इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस पशु का आकलन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है। तो सही हो जाएगा इसका घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है कौन सा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल इनमें से कौन सा है? तो वह है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल राखीगढ़ी जो है वह हरियाणा राज्य के जिंद जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि कथन दिया हुआ है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कारण दिया हुआ है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कह रहा है कि सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से। तो देखिए, इसमें से नाथ मुनि जो है यह एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। ठीक है, नाथ मुनि जो है यह एक जैन तीर्थंकर नहीं थे, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 जो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सिक्स जो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देखिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। सी का मतलब है कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ये जो है तीनों सही सुमेलित है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। देखिए, इसमें भी जो है पहले यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि मौर्यकालीन शासकों द्वारा धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया गया था, ये कथन हो गया। अब देखिए, यहाँ पे रीजन जो दिया हुआ, कह रहा है इसमें कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ए जो दिया हुआ यहाँ पे कथन, ये जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो कारण दिया हुआ ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो वह शासक है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में जो है इसका जो है यहाँ पे शासन के बारे में जो सूचना प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूनों पर विजय प्राप्त की, किस गुप्त शासक ने? तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे स्कंद गुप्त जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर। देखिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के द्वारा जो है यह किया गया था, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में जो है स्थापित किया गया था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन जो 11 यहाँ पे दिया हुआ है,
कह रहा है इसमें कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इसमें कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था, प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो वह सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले प्रथम दिल्ली का सुल्तान था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा शेर शाह, ठीक है। शेर शाह जो है इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, और प्रत्येक किसान को सरकार की ओर से एक पट्टा दिया जाता था जिसमें उसके ज़मीन का क्षेत्रफल एवं दूसरी बातों के अलावा लगान का जिक्र रहता था, और इसके बदले में किसान राज्य को लिखकर एक कबूलियत देता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इसमें दीवाने अमीर को ही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी, दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी, तो यह किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है कृषि में विस्तार तथा विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की गई थी, और इस विभाग के कार्य मालगुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना तथा जिस भूमि पर खेती ना हो रही हो उसे कृषि योग्य बनाना था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर, और कह रहा है इसमें कि नीचे दिए गए कुट में घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करें, सही कालानुक्रम पता करें, तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में इसका मतलब है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए गांधी इरविन समझौता, उसके बाद 3 में है कि भगत सिंह की फांसी, उसके बाद 2 में हो जाएगा यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और लास्ट में हो जाएगा पूना समझौता, ठीक है पूना समझौता हो जाएगा। देखिए बात करें अगर गांधी इरविन समझौता की, तो यह हुआ था 1931 ईस्वी में, कब हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था गांधी इरविन समझौता। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, यह भी जो है कराची अधिवेशन ये 1931 में ही हुआ था, ठीक है। ये भी जो है 29 दिसंबर को हुआ था, 29 दिसंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। और उसके बाद भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था यह 23 मार्च याद रखिएगा 31 मार्च 1931 ईस्वी, ठीक है 31 ईस्वी हो जाएगा। और उसके बाद जो पूना समझौता, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पूना समझौता, यह जो हुआ था वह हुआ था 20 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर देखिए जो 16 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं किया था, तो देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व नहीं किया, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, तो यह बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन का जो है अध्यक्षता किया गया था इन्हीं के द्वारा। और इस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा भी करी गई थी, और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी इसी अधिवेशन में लिया गया था 1929 ईस्वी में लाहौर के जो है लाहौर
कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 19 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, एनी बेसेंट न्यू इंडिया। एनी बेसेंट न्यू इंडिया जो है यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था। तो देखिए इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर एक, कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था 1921 में, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर। देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था कौन सा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए, 1917 ईस्वी में जो है इनके द्वारा जो है यह सत्याग्रह किया गया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनका सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ चंपारण सत्याग्रह, तो देखिए ये चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह हुआ था 1917 ईस्वी में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो है यह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दिया हुआ है रॉलेट सत्याग्रह, तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो हुआ था यह हुआ था याद रखिएगा मार्च 1919 ईस्वी में हुआ था। और गृह शासन आंदोलन जो है जिसको कि होम रूल आंदोलन भी कहा जाता है यह हुआ था अप्रैल 1916 ईस्वी में, कब हुआ था, यह हुआ था अप्रैल 1916 ईस्वी में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था ये भी अप्रैल जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो है यह घटना हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसका इसका जो है यहाँ पे कालानुक्रम जो है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23। और देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, भारत का एकीकरण था, यह किसने कहा था। तो सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए, के एस पनिक्कर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित इनमें से नहीं है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये जो दिया हुआ है भोटिया उत्तर प्रदेश, यह जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं होगा। भोटिया जो दिया हुआ है यहाँ पे भोटिया उत्तर प्रदेश, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर। और देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा नागार्जुन सागर जो है गोदावरी नदी पर, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। नागार्जुन सागर जो दिया हुआ है यहाँ पे गोदावरी नदी पर, यह सही सुमेलित नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 26 में कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो देखिए यहाँ पे जो मणिपुर है, मणिपुर इसकी जो सीमा है वह बांग्लादेश से नहीं मिलती है, बाकी मिजोरम त्रिपुरा मेघालय इन सब की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि सूची वन और सूची टू को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ जो है पहाड़ी दर्रा दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो है राज्य दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का दो हो जाएगा यानी बनिहाल दर्रा जो है यह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। बी का थ्री हो जाएगा नाथुला जो है यह कहाँ है, सिक्किम में। उसके बाद सी में फोर दिया हुआ है, नीति जो है नीति दर्रा ये कहाँ है, उत्तरांचल में। और सिपकीला दर्रा जो है यह कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहां पे 28 नंबर। और देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है, निम्नलिखित में से किस राज्यों में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मणिपुर, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जो है मणिपुर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर कह रहा है इसमें कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह कौन सा राज्य है जहाँ पे अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में जो है अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में, याद रखिएगा ठीक है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 30 और इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 जो यहाँ पे दिया हुआ देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में चावल के चार प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए कह रहा है इसमें कि देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन, यहाँ पे देश नहीं होगा, यहाँ पे देश नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा राज्य हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा राज्य। किस राज्य में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देश नहीं, यहाँ पे राज्य हो जाएगा, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो भिलाई मध्य प्रदेश दिया हुआ है यह जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है। भिलाई जो दिया हुआ है मध्य प्रदेश यह जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि भिलाई जो है ये कहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ पे मध्य प्रदेश की जगह जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। तो वह बंदरगाह है कांडला बंदरगाह ठीक है, कांडला बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर। देखिए 34 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, किस ज्वालामुखी को। तो सही हो जाएगा देखिए इसके यहाँ पे स्ट्रॉम्बेली, जो स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी है उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, याद रखिएगा ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं। तो वह महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे 36 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है, बेनिलक्स देश कहा जाता है वो किस समूह को। तो देखिए जो समूह हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड और ये लग्जमबर्ग जो है इसे जो है बेनिलक्स देश कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 37 नंबर और कह रहा है इसमें कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश इनमें से कौन सा है। तो वह देश हो जाएगा इंडोनेशिया, क्या हो जाएगा इंडोनेशिया जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर में कि विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड स्थित है किस राज्य में, विश्व का सबसे बड़ा विखंडन राज्य यार्ड स्थित है कहाँ पे। तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात में, कहाँ पे हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ए यानी कि मध्य प्रदेश में जो अल्पाइन यहाँ पे दिया हुआ यह यहाँ पे क्या हो जाएगा सही सुमेलित नहीं होगा ठीक है। अल्पाइन जो है मध्य यूरोप में पाए जाते हैं तथा कांगो बेसिन में जो है नेगीटो, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, उसके बाद नार्डिक स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं ठीक है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, इनमें से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो वह हो जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी यह जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 41 नंबर और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है, इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो देखिए यहाँ पे सोयाबीन, देखिए यहाँ पे सोयाबीन जो है यह एक खरीफ की फसल हो जाएगी ठीक है, सोयाबीन जो है यह क्या हो जाएगा यहाँ पे एक खरीफ की फसल हो जाएगी, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए 42 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है, भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है किस राज्य में। तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो है जूट का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43 नंबर कह रहा है इसमें कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। तो वह राज्य हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक में जो है कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर कि नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है, पुनर्वित्त प्रदान करता है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए,
कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 45 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो देखिए इसका जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, देखिए सही आंसर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सबके सब जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक जो है यह राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 46 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का है, सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, उपर्युक्त सभी, अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, बी में धन को इस प्रकार सुनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, और सी में है कि लोगों की बचत को एकत्र करना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है। तो देखिए इसका जो आंसर है वह है यहाँ पे कि निर्यात साख एवं गारंटी निगम, निर्यात साख एवं गारंटी निगम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 49 नंबर। देखिए 49 में कह रहा है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है इनमें से किस में। तो देखिए सोयाबीन में जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 50 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 50 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार जो होता है वो क्या होता है। तो इसका जो आधार होता है वह होता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे 51 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है क्या। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इको मार्क, क्या शुरू किया गया है इको मार्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कौन सी है। तो वो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैस जो है वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने। तो देखिए यहाँ पे इंदौर के होलकर राज्य जो है, इंदौर के होलकर राज्य सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अगला देख लेते हैं 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट कॉमन विल, एनी बेसेंट कॉमन विल, इनमें से यह जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा सही सुमेलित हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 55 नंबर और देखिए 55 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सूची वन सूची टू से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, एक तरफ समाचार पत्र और दूसरे तरफ जो है जिन व्यक्तियों ने उसे प्रारंभ किया था उनके नाम दिए गए हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए का थ्री हो जाएगा। बॉम्बे जो है क्या हो जाएगा, बॉम्बे समाचार पत्र किनके द्वारा, तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा। बी में वन दिया हुआ है, कॉमनीवेल्थ जो है वह कॉमनवील या एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। और उसके बाद सी में दिया हुआ यहाँ पे देखिए दो, यानी लीडर जो है, लीडर यहाँ पे मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और सर्च लाइट जो है यह सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 56 नंबर और देखिए 56 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, कर्नाटक, कर्नाटक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर और देखिए इसमें कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था, किस राज्य में। तो वह राज्य है बंगाल, बंगाल में जो है कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 58 नंबर और देखिए 58 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, सही आंसर हो जाएगा इसका कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
59 जो है दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, तो यह भारत की ही देन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 60 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा लिया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में, इसके तहत क्या किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को जो है हटा के और मूल अधिकार से हटा के और उसको विधि का अधिकार में जो है डाल दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन्हीं को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कह रहा है इसमें कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितना। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 निर्वाचकों द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा इसका 10 निर्वाचकों के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 63 नंबर। और देखिए 63 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 63 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्ययभार नहीं है, अनिवार्य व्ययभार नहीं है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कि भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 64 नंबर। और देखिए 64 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है। सही आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 3 और 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक में दिया हुआ है कि धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तीन में है कि मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, और चार में है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 65 नंबर। और देखिए 65 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि विधानसभाओं के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है, विधानसभाओं के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है। तो इसका जो आंसर है वह है कि विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक जो है ये अपने पद पर बना हुआ रहता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 66 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, संविधान के किस भाग में, तो वह भाग है यहाँ पे भाग 11। क्या भाग 11 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 67 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग यहाँ पे 16 जो है, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है किससे, तो सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 68 नंबर। और देखिए 68 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इस क्वेश्चन में 68 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है देखिए इसमें कह रहा है इसमें कि निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर निम्न कुटों की सहायता से चुनिए। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कथन जो यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है इसमें कि जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। और इसका जो रीजन दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुँच पाने में असमर्थ है। तो देखिए 68 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहां पे ए हो जाएगा, गोलकनाथ केस जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर है 70। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 70 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है, मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है, तो वह सही आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे 22। टोटल कितना है, 22 है। ठीक है, 22 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चले देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 71 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1971 का संशोधन
महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। तो यह संशोधन किया गया था कब, यह संशोधन कब किया गया, तो यह संशोधन किया गया था 1976 ईस्वी में जो है यह संशोधन किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 72 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है, कह रहा है इसमें कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदाता की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी किस संशोधन में। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 ईस्वी में, उसी में जो है मतदाता की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 73 नंबर, सही कथन पहचानिए, 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को जो दायित्व सौंपे गए हैं उनकी गणना की सूची और विषय, उनकी गणना की सूची और विषय सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11वीं सूची 29 विषय जो है 29 विषय के साथ, ठीक है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 74 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी, संविधान के किस संशोधन ने। तो यह संशोधन था 31वां संविधान संशोधन, ठीक है, 31वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1974 ईस्वी में ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 75 नंबर, देखिए कह रहा है इसमें कि भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो वह अध्यक्ष जी वी रामकृष्णा जो है भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 76 नंबर में कि मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया, तो यह विकसित किया गया था 1997 ईस्वी में जो है यह विकसित किया गया था, याद रखिएगा। और वर्ष 1997 के मानव विकास रिपोर्ट में 78 देशों के संबंध में यह सूचकांक प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो यह हुई थी 1999 ईस्वी में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ जो है वर्ष 1999 ईस्वी में करी गई थी, और इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान करना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 78 नंबर, देखिए इसमें कह रहा है 78 में कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी कि PMGY को प्रारंभ करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध करना है। तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे कि मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं जो है उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 79 नंबर में कि भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे के ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है क्या, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, प्राथमिक घाटा, क्या होता है, प्राथमिक घाटा होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 80 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में है कि स्थापना के वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले 1, 2, 4, 3, 1 का मतलब यहाँ पे देखिए LIC, 2 में हो जाएगा यहाँ पे IDBI बैंक, 4 में हो जाएगा UTI, और उसके बाद सबसे लास्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे SEBI हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10^9 सेंटीमीटर, कितना होता है 10^9 सेंटीमीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 82 नंबर कह रहा है इसमें कि पायरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है कि क्या मापने के लिए पायरोमीटर। तो देखिए पायरोमीटर जो है यह उच्च तापमान नापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको एक बार बढ़िया से। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 83 नंबर, देखिए कह रहा है इसमें कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए, तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे लक्स मीटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लक्स मीटर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, और देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें 84 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पे सेल्सियस ऊष्मा की इकाई जो है यह क्या है, यहाँ पे सुमेलित हो जाएगा। सेल्सियस पैमाना जो है फ्रेंड्स यह आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस के द्वारा किया गया था, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर में
वायुयान के ब्लैक बॉक्स का रंग जो है कैसा होता है? वायुयान के ब्लैक बॉक्स का रंग जो है, ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? सही आंसर हो जाएगा नारंगी। वायुयान में जो ब्लैक बॉक्स रहता है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग होता है नारंगी रंग का, ठीक है। 85 में बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 86 नंबर। और देखिए 86 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्व को मिलाकर उसे और अधिक संसाधित किया जाता है, निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? प्रयुक्त नहीं किया जाता है तो वो हो जाएगा यहाँ पे सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है उसमें प्रयुक्त नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 87 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? प्रभेद भारत में प्रभावी है, सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए, HIV-1A। HIV-1A जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 88 नंबर में। देखिए 88 जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का विषाणु है? इनमें से कौन सा बर्ड फ्लू का विषाणु है? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए H5N1। H5N1 जो है यह जो है बर्ड फ्लू का विषाणु है, याद रखिएगा H5N1 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 89 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है DNA फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? DNA फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। एक में है केवल न्यायालयी छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, उसके बाद देखिए बी में दिया है कि केवल पैतृक विवाद में, और सी में है कि केवल संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 91 नंबर। और देखिए 91 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 91 नंबर में कि दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह क्या होता है? वह वस्तु से छोटा होता है और क्या होता है? उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 92। और देखिए 92 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सही हो जाएगा इसका देखिए विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 93 नंबर। और देखिए 93 में कह रहा है कि कन्नव वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 94 नंबर। कह रहा है इसमें कि राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? किसने नियुक्त किया था? तो यह नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा, मुगल शासक अकबर के द्वारा जो है इन्हें बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज फैक्ट्री। यह क्या थी? अंग्रेज फैक्ट्री थी। अगला देख लेते हैं यहाँ पे देखिए 96 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो यह लगाया गया था 29 जून 1968 ईस्वी को। फर्स्ट बार जो है 29 जून 1968 ईस्वी को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि उस समय जो है बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। भोला पासवान शास्त्री जो उस टाइम भोला पासवान, ठीक है, याद रखिएगा इसको, भोला पासवान शास्त्री जो है उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 97 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो वह नदी है बागमती नदी। बागमती नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स 98 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? गोगाबिल पक्षी विहार जो है यह बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका बिहार के कटिहार जिले में यह स्थित है, गोगाबिल पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 99 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? तो यह करी जाती है मुंगेर जिले में। कहाँ पे की जाती है? मुंगेर जिले में करी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं अब इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये था प्रभात पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कि टोटल जो है इस बुक में 40 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था। तो इसमें जो है आज हम लोग इसका चौथा प्रैक्टिस सेट जो है पूरा कवर किया, और इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विजिटर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका आंसर टिक किया हुआ PDF वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।